अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी चैप्टर 12 की रीडिंग स्टार्ट की थी, तो अब यहाँ पे हम मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस या फिर जितने भी उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली वो उसके क्वेश्चंस होंगे, वो सारे उसके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। तो पहले तीन पेजेस, चैप्टर की तीन पेजेस का हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। अब हमने डिस्कस करना है पेज नंबर 238 से 240 पेज, जितने भी 44 पेज हैं, तो ये हमने डिस्कस करना है। एमसीक्यूज से पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो असाइनमेंट के मैंने आप लोगों को दिए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो पहला एमसीक्यू है, द एनिमल विच फीड ऑन ऑर्गेनिक डेब्रिस आर दैट इज डेट्रिवोर्स, ऑप्शन डी। उसके बाद है, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, एनिमल विच फीड ऑन प्लांट आर नोन एज हर्बीवोर्स। एंड नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, क्या इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है कि डियर एंड शीप आर एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर, रोडेंट्स आर ऑल्सो हर्बीवोर। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉर्निवोर वाले टॉपिक में से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्निवोर, कॉर्निवोर कौन सा एनिमल नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कैट, डॉग, लायन और डियर। डियर इज अ हर्बीवोर, क्योंकि अभी हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा है कि डियर जो है वो क्या है, कॉर्निवोर नहीं है, हर्बीवोर है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्निवोर, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है, तो इसमें ऑप्शन सी, बियर, बियर इज ऑल्सो हर्बीवोर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द एनिमल विच फीड अपॉन अदर एनिमल आर कॉल्ड, जो एनिमल दूसरे एनिमल पे फीड करते हैं उनको हम कहते हैं कॉर्निवर्स। द एनिमल विच हैव लार्जर कैनाइंस, टीथ की बात हो रही है तो इसमें कॉर्निवर्स, क्योंकि वो दूसरे एनिमल पे फीड करते हैं तो उनके लार्जर कैनाइंस होते हैं। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओमनिवर, ओमनिवर कौन से एनिमल हैं वो जो कि दोनों एनिमल पे भी फीड करते हैं और प्लांट पे भी फीड करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डियर। उसके बाद है, द एनिमल विच फीड ऑन बोथ एनिमल एंड प्लांट आर कॉल्ड ओमनिवर्स, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वन इज, अ कॉमन फ्रेश वाटर मसल हैज टू लार्ज गिल्स कवर्ड विद, इसमें जो हमारे पास इसकी गिल्स हैं वो सीलिया से कवर्ड होते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज सीलिया। एंड नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ वेल्स आर, सर्टेन टाइप्स ऑफ वेल्स आर डेट्रिवर्स, फ्लूड फीडर, ओमनिवर और फिल्टर फीडर, जो वेल्स होती हैं वो फिल्टर फीडर होती हैं, तो हम यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, डेट इज फिल्टर फीडर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूड फीडर, फ्लूड फीडर कौन सा है, एफिड, एफिड को हमने चैप्टर 14 में बड़े डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था कि एफिड फ्लूम पर फीड करता है। उसके बाद, द एनिमल विच इंजेस्ट फूड इन लिक्विड फॉर्म आर कॉल्ड, जो कि लिक्विड फॉर्म में फूड को इंजेस्ट करते हैं उनको हम फ्लूड फीडर कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद है, सीजिंग एंड स्वेलविंग टाइप ऑफ मैक्रोफेजिस फीडिंग इज फाउंड इन, कौन से एनिमल में मैक्रोफेजिस फीडिंग होती है, तो वो ये है स्पॉटेड डॉग फिश, ये जो ऑप्शन गिवन है उनमें से स्पॉटेड डॉग फिश करती है मैक्रोफेजिस फीडिंग। उसके बाद है, देयर इज अ रैस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर इन मोलस्क कॉल्ड रेड्यूला, रेड्यूला जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। द फीडिंग डैट अकर इन गार्डन स्नेल इज स्क्रैपिंग। नेक्स्ट इज, एन ऑर्गेनिज्म डैट लिव अपॉन और विद इन द अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट, पैरासाइट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो ये इसके एमसीक्यूज थे, अब हम डिस्कस कर लेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो हमने असाइनमेंट देखी थी, असाइनमेंट में मैंने 19 क्वेश्चन तक आप लोगों को कवर करवा दिया था, मैंने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था 19 क्वेश्चंस। तो अब क्योंकि हमने अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मेथड ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, जिसका हमने अभी एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं, तो अभी हम वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन डेट्रिवोर्स, डेट्रिवोर्स क्या होते हैं, डेट्रिवोर्स आर दोज एनिमल विच फीड, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन ऑर्गेनिक डेब्रिस, मतलब अब ये डेट्राइटस या ऑर्गेनिक डेब्रिस क्या है, ये अब जो प्लांट और एनिमल की रिमेन्स होते हैं उनसे ऑर्गेनिक डेब्रिस जो बनता है उसको हम कहते हैं डेट्राइटस। तो
ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फीड करते हैं डिट्राइटस पे। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जांपल इसमें अर्थवॉर्म की आती है। अर्थवॉर्म जो है वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट बिटवीन डेट्रीवोर्स एंड कॉर्निवोर। डेट्रीवोर्स कौन से हैं जो डिट्राइटस पे फीड कर रहे हैं, कॉर्निवोर्स कौन से होते हैं जो कि एनिमल पे फीड करते हैं। तो अब इनका डिफरेंस आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन, उसके बाद उनका कोई एक करैक्टर और फिर एग्जांपल आप लिख सकते हो। एटलीस्ट 2 से 3 डिफरेंसेस हों 2 नंबर के सवाल में, तभी आप लोगों को वो कंप्लीट उसके मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज नंबर कट जाता है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्निवोर और ओमनीवोर। कॉर्निवोर आर दोज एनिमल दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन एनिमल्स, और ओमनीवोर वो हैं जो कि प्लांट में भी फीड करते हैं और एनिमल पे भी फीड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ फ़िल्टर फीडिंग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मिसिंग है, डेट इज़ हर्बीवोर। हर्बीवोर का यहाँ पे नहीं पूछा हुआ। हर्बीवोर वो एनिमल होते हैं जो कि फीड करते हैं प्लांट्स पे। तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी आ जाती हैं जो कि आप लोगों की बुक पे भी लिखी हुई हैं। रेप्टाइल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, बहुत सारे जो कि हर्बीवोर हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे असाइनमेंट में मिसिंग था, तो ये आप लोग बेशक इसको बुक से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ फ़िल्टर फीडिंग। फ़िल्टर फीडिंग क्या है, वो एक्वेटिक एनिमल जो कि अपना फूड वाटर से फ़िल्टर करके वो पार्टिकल फूड पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट करके उन पे फीड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो एनिमल फ़िल्टर फीडर्स हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ़िल्टर फीडिंग। तो इसमें एग्जांपल आप लोगों की फ़्रेश वाटर मसल की आती है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लूइड फीडर्स। फ्लूइड फीडर वो हैं जो कि फ्लूइड पे फीड करते हैं, लिक्विड पे फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लूइड फीडर। इसकी एग्जांपल आती है एफिड्स की। नेक्स्ट इज व्हाट आर मैक्रोफेगस फीडर्स। तो यहाँ पे ये वो फीडर्स हैं, वो एनिमल्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लार्ज पार्टिकल पे फीड करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके लार्ज पीसेस में होते हैं। इनके पास स्क्रैपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इस तरह से अब क्या हम इस एग्जांपल जो बहुत कॉमन आती है, जो भी हमने एमसीक्यूज़ में भी डिस्कस की थी, डेट इज़ स्पॉटेड डॉग फिश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स, अब इसमें ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है उसकी टाइप्स हैं ये, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पैरासिटिक न्यूट्रिशन पता होना चाहिए, उसके बाद ही ये एक्टो एंड एंडो पे हम आएंगे। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो है जिसमें पैरासाइट जो है वो ऑर्गेनिज्म पे रहता है, उस पर फीड करता है, और इन रिटर्न उसको कोई ना कोई नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो हमने ये पैरासाइट की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी, तो इस न्यूट्रिशन को हम इस रिलेशन को हम पैरासिटिज्म कहते हैं। उसके बाद एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट वो हैं जिसमें पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी के बाहर रहता है, और आउटसाइड द और उस पर मतलब क्या कह सकते हैं, आउटसाइड द बॉडी ही रह रहा है। इसमें एग्जांपल जो है वो लीच की आती है, लाइसिस की आती है, फ्ली की आती है, एफिड की आती है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि इसमें एक्टोपैरासाइट में हम कंसीडर कर सकते हैं। एंडोपैरासाइट्स आर दोज दैट लिव इन इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, एंडमीवा, ये सारी जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट एंड द फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अगर होस्ट की बॉडी पे नहीं रह रहे या होस्ट की बॉडी के अलावा हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, मतलब कि उनका सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ होस्ट के रिलेशन के साथ ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं कर सकते। फैकल्टेटिव वो हैं जो कि होस्ट के साथ रहें या ना रहें वो ज़िंदा रह सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं। अब जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है इसमें एग्जांपल आती है आप लोगों की वायरसेस की, और फैकल्टेटिव पैरासाइट में एग्जांपल आती है लीचेस की। लीचेस जो हैं वो रहती हैं होस्ट के साथ भी रहें तब भी वो ज़िंदा रह सकती हैं, होस्ट के बगैर भी रहें तब भी ज़िंदा रह सकती हैं, जबकि वायरसेस जो हैं वो होस्ट की बॉडी में हों तो वो सर्वाइव करते हैं, उनका लाइफ साइकिल तब चलता है, अदरवाइज़ वो उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक आज हमने करने थे क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं टॉपिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल और उसके अलावा पैरासिटिक न्यूट्रिशन से आते हैं, तो ये आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करने हैं ताकि जब हम टेस्ट मैं आप लोगों को दूँ तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर हों। ओके, थैंक यू।